ये देखो आप ऑन करेंगे यहाँ पे जो सारे लाइट ऑफ है, सिर्फ ये तीन डिजिट ऑन है, ठीक है। अगर इसको आप घुमाएंगे, अभी ये आ गया कार्टन पे, उस टाइम जो ये वन टच पे चल रहा है, ठीक है। ये कार्टन, कार्टन के जो कपड़े होंगे आपने कार्टन पे रख के यहाँ से सिर्फ स्टार्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये आता है कार्टन प्लस, पर्दों वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, बेडशीट के लिए, ठीक है। उसके बाद ये मिक्स फैब्रिक जो आता है, इसको बेडशीट भी इसमें डाल सकते हैं, कार्टन के जो कपड़े वो भी डाल सकते हैं, मतलब मिक्स जो भी है, जैकेट कोट जो चीज़ जो भी चीज़ें खुद ही ऑटो उठा लेंगे, ठीक है। उसके बाद इजी वॉश है, मतलब आम जो नॉर्मल आप लोगों ने कपड़े धोने हैं उसको इजी वॉश पे ही रख के स्टार्ट कर देना है यहाँ से, ठीक है। फिर आता है एलर्जी केयर, ये जो रेड कलर है ये मतलब ज़्यादा मैले कपड़े के लिए है, कॉटन एलर्जी और ये बेबी स्टीम, ठीक है। ये जो है ज़्यादा मैले कपड़े के लिए आएंगे, ठीक है। उसके बाद ये मतलब एलर्जी केयर वो उसी के लिए ज़्यादा मैले कपड़े के लिए आएंगे, यहाँ से सिर्फ आपने स्टार्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद बेबी स्टीम केयर जो है ये उसके लिए आता है, बच्चों के जो कपड़े होते हैं, ठीक है, यहाँ से सिर्फ स्टार्ट करना पड़ता है। उसके बाद ये आता है रेंस प्लस पिन, ये खाली कपड़ों को कंगालेगी और खुश करेगी, ठीक है, इसमें वॉश नहीं है, ठीक है। 2 से 3 महीने या 4 महीने के अंदर एक दफ़ा इसको टब क्लीन पे रख के, ये जो TCL आ रहा है, ठीक है, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसकी अपनी सफाई होएगी, थोड़ा सा सर्फ डाल के या लिक्विड अगर डाल दे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। मतलब मशीन की अपनी सफाई होती है, इसमें कपड़े सफाई के लिए नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है डविट, ये भी बेडशीट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जो नीचे कारपेट के ऊपर जो नहीं बिछाते, जिस पता नहीं क्या चीज़ उसको बोलते हैं, पायदान बोलते हैं इस तरह का, वो उसके लिए, मतलब थोड़े से मोटे कपड़े के लिए डबिट पे रख के स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है क्विक वॉश, मतलब एक जोड़ा आपने एक फंक्शन के लिए पहना हुआ जो ज़्यादा मैला ना हो, ठीक है, उस पे रख के स्टार्ट कर दें, ये वॉश हो जाएगी। स्पोर्ट्स वेयर जैसे अभी आपने पहना हुआ है, ट्रैक सूट वगैरह, जर्सी, ये क्या नाम है, वूल, मतलब ये क्या कहते हैं, स्वेटर वगैरह के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रैक सूट के लिए, मतलब स्पोर्ट्स के जो भी सामान हो उससे धोने के लिए ये आता है। ये एंड वॉश प्लस वूल है, स्वेटर वगैरह के लिए या उस कपड़े के लिए जो नाजुक होते हैं, जो हाथ से धुलाई होते हैं, ठीक है, उस पे रख के स्टार्ट करेंगे। फिर आता है डेलिकेट, नाजुक कपड़ों के लिए, लेडीज़ कपड़ों के लिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से अभी ये तो ऑप्शन सारे आपको तकरीबन समझ आ गए होंगे। उसके बाद मतलब आपने जो भी ऑप्शन रखा है, बाज़ औक़ात इस तरह आता है कि शिकायत आता है कि कपड़े साफ़ नहीं कर रहा, इसके साथ आप इंसेंटिव भी आंस कर सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा ले लेगा, मतलब कपड़े की धुलाई सही होती है, ठीक है। उसके बाद ये रेंज आता है, मतलब आपने कपड़े कितनी दफ़ा कंगालना है, डबल कंगालना है तो ये उसको भी ऑन करने में, ठीक है। और ये फ्री वॉश है, अगर कपड़े बहुत ज़्यादा मैले हैं तो ये तकरीबन 10 से 20 मिनट के दरमियान जो है भिगो के रखता है, वैसे गीला करके रखता है, उस टाइम वॉश स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। और ये डिले अगर दबाएंगे, मतलब 3 घंटे अभी स्टार्ट करेंगे, 3 घंटे मशीन खामोश है, 3 घंटे तक नहीं चलेगी, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको आपने ऑफ ऑफ पे ही रखना है, ये अभी 24 तक जाएगा फिर ऑफ हो जाएगा, 24 से 19 तक जा रहा है, ठीक हो गया, ये बंद कर देने और ये बटन भी बता देता हूँ। उसके बाद ये स्पिन यहाँ से सेट कर सकते हो, मतलब अगर कपड़े नाजुक है तो इसको 1000 RPM या 800 RPM पे चलाना है, जैसे मतलब काटन के कपड़े होंगे, पहले ये सेट करके उसके बाद यहाँ से सेट करेंगे, ठीक है। अगर कपड़े काटन के तो उसको 1000 या 800 पे रखना है, ठीक है। वैसे आम नॉर्मल जो सही मजबूत कपड़े हो तो उसको 1400 1200 भी रख सकते हो, ठीक है। और ये आता है टेम्परेचर, मतलब बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि जैसे अभी मौसम है, मौसम ज़्यादा ठंडा है तो उसको 60 पे रखेंगे, मतलब कपड़े सही धुलाई होएंगी फिर, ठीक है। इसको 60 पे रखेंगे या 40 पे, इससे कम नहीं रखना है, उससे कपड़े सही धुलाई नहीं होती, ठीक है। और ये आता है आखिर में, दो महीने के बाद या 1 या 1.5 महीने के बाद इसको एक दफ़ा ऐसे खोलेंगे तो इसकी पानी सारे निकल जाएगी, इसमें कचरा जमा हो जाता है, ठीक है, इसमें कचरा जमा होता है, इसको फुल साफ करके दोबारा इसी तरह लगाना है, ठीक है। ये ऐसे लगाएंगे, बाज़ औक़ात मशीन एरर देती है, E1, E2, E3 या C इस तरह का एरर देगी, तो ये निकाल के अपने साफ कर देना है, ये इसका फिल्टर है।